हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृति और मैं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पगली लड़की रिव्यू में स्वागत करती हूँ। मैं आज क्या रिव्यू करने वाली हूँ, आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ एक टीवी शो का जिसका नाम है टीन वुल्फ। इस टीवी शो के नाम से हमें ये पता चलता है कि ये एक टीनेजर के बारे में है जो वुल्फ बन जाता है। इस शो का जैनर है सुपरनेचर टीन ड्रामा। इस शो के 6 सीजन है, पहला सीजन 2011 में आया और लास्ट सीजन 2017 में आया। और अभी ये शो नेटफ्लिक्स पर हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। इस शो के मेन कैरेक्टर्स हैं स्कॉट, स्टाइल, लिडिया और डेरिक। इस शो की स्टोरी बेस्ड है स्कॉट के ऊपर, जो कि एक बहुत ही अनएथलेटिक और अनपॉपुलर लड़का रहता है अपने स्कूल में। बट उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ा सा टर्न आ जाता है जब उसे एक अल्फा वुल्फ डेरिक चाप देता है, जिसके कारण वो एक वुल्फ बन जाता है। और वुल्फ बनने के बाद उसकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। उसकी फिजिकल एबिलिटीज बढ़ जाती है, उसके अलग अलग सेंसेस जैसे हियरिंग, स्मेलिंग, सब कुछ बहुत तेज हो जाता है। वो अपनी इस नई पहचान के साथ इंसानी लोगों के बीच में रहने की कोशिश करता है और बहुत ही अच्छे से रहता है। उसके शहर में नई नई सुपरनेचुरल प्रॉब्लम्स आती है जिनको वो सॉल्व करता है, जिसमें उसके फ्रेंड्स उसका साथ देते हैं, जैसे डेरिक जो कि एक अल्फा मेल रहता है जो उसको चेंज किया रहता है, लिडिया जो कि एक साइकिक रहती है, वो चीजों को छूकर पता लगा सकती है कि क्या हो रहा है या क्या होने वाला है, और स्टाइल उसका बेस्ट फ्रेंड रहता है जो कि एक इंसान होते हुए भी उसका कदम कदम पर साथ देता है। इस शो की स्टोरी इतनी ही है, हर नए सीजन में एक नई सुपरनैचुरल प्रॉब्लम आती है जिसमें स्कॉट अपनी वुल्फ एबिलिटीज और अपने फ्रेंड्स की हेल्प से उन्हें सॉल्व करता है और अपने शहर और अपने शहर के लोगों को प्रोटेक्ट करता है। ओवरऑल मुझे शो की स्टोरी ठीक लगी, उतनी कुछ खास नहीं है। टीनेजर्स के लिए अच्छी है, स्पेशली उन लोगों के लिए अच्छी है जिनको सुपरनैचुरल चीजें पसंद है। मुझे ये शो स्कूबी डू का ह्यूमन वर्जन लगता है, जिसमें स्कॉट अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर सुपरनैचुरल प्रॉब्लम से लड़ता है और अपने शहरवासियों को बचाता है। शो की कास्टिंग अच्छी हुई है, एक्टिंग सबकी अच्छी है। मेरा सबसे फेवरेट कैरेक्टर इस पूरे शो में स्टाइल्स रहा है। स्टाइल्स की एक्टिंग बहुत अच्छी हुई है, उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा बताया गया है, उसने अपनी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी निभाई है शो के अंदर। ओवरऑल मैं शो को 7/10 रेटिंग्स दूंगी और मैं रिकमेंड करूंगी कि आप ये शो एक बार देख सकते हैं, और देखने के बाद कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग मेरे ओपिनियन से रिलेट कर पा रहे हैं या नहीं। तो चलिए दोस्तों, जल्दी मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा दोस्तों। यहाँ तक कि मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आप लोगों को मेरे चैनल का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप लोगों को पता चलता रहे कि कौन से टीवी शो, मूवी या वेब सीरीज का रिव्यू होने वाला है या हो रहा है। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय।